आज हम स्ट्रेट लाइंस में पढ़ेंगे स्लोप। स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में निपट जाए। स्लोप को हिंदी में तो कहते हैं ढलान, ठीक है, या फिर इंक्लिनेशन भी कहते हैं। स्लोप कह दो या फिर इंक्लिनेशन, एक ही बात। इसके कुछ तरीके हैं स्लोप फाइंड करने के, देख लेते हैं। अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है थीटा, ध्यान रखना एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा, और ये पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर पॉजिटिव एक्स होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, इस पॉइंट के इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन होता है। अगर ये पॉइंट मान लो लाइन ऐसे है, यहाँ कट कर रही है, तो इस पॉइंट के इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और इस तरफ क्या है नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन और इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, ऐसे ही इस पॉइंट के इस तरफ पॉजिटिव और इस तरफ नेगेटिव। ये मत सोचना कि यहाँ ओरिजिन है, जो भी पॉइंट है जहाँ भी लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी उसके राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होता है और लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल बनता है अगर एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो स्लोप होता है टेन थीटा। ये पहला तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका है स्लोप फाइंड करने का क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उस पर कोई दो पॉइंट पता है, एक एक्स वन कॉमा वाई वन और एक पता है एक्स टू कॉमा वाई टू, तो स्लोप क्या हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है ये, एक्चुअल में देखो क्या है, अगर ये एंगल थीटा बना है, ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करके कंप्लीट कर दें, एक ट्राइंगल कंप्लीट कर दें, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकल के आएगा, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, मॉडल से लगा लेना, ठीक है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रख लेना, वैसे नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन नेगेटिव होता है। अगर एम पॉजिटिव आ रहा है तो एक्यूट होगा, और अगर एम नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्ट्यूज होगा, ठीक है। अब थर्ड जो तरीका आता है हमारे पास इसमें फाइंड करने का, वो क्या है थर्ड, थर्ड इसमें आता है हमारे पास, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है, तो इसे कन्वर्ट कर लो इसमें वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो अगर ए एक्स प्लस बी वाई सी प्लस सी के फॉर्म में है लाइन, तो स्लोप क्या हो जाएगा माइनस का ए अपॉन बी, ये ध्यान रखना थर्ड कॉन्सेप्ट। फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास स्लोप में, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, एल वन इज पैरेलल टू एल टू, देन दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल होंगे, एम वन इज इक्वल टू एम टू। जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट है इसमें, इफ एल वन इज परपेंडिकुलर टू एल टू, देन एम वन इंटू एम टू कितना होगा माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्स कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये, इसका स्लोप मान लेते हैं एम वन और इसका स्लोप मान लेते हैं एम टू, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। तो जो टेन थीटा होता है वो मॉडुलस ऑफ एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना मॉडुलस लगेगा। इसमें एक्यूट भी हो सकता है और ऑप्टिव भी हो सकता है, तो हम एक्यूट एंगल ले लेते हैं, मॉडुलस लगाते हैं, एक्यूट हो गया, अगर ये एक्यूट हो गया तो ये ऑप्टिव हो जाएगा, दो एंगल बनते ना, अगर ये थीटा बन रहा तो ये 180 माइनस थीटा बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है सेवेंथ, ये कॉन्सेप्ट जो है ये है डिफ्रेंशिएशन का, जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगा डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल होगा। अगर किसी भी कर्व को या किसी भी चीज को डिफ्रेंशिएट किया जाए, जो डी वाई अपॉन डी एक्स आता है वो क्या होता है स्लोप होता है, ठीक। तो ये हमारे पास सात कॉन्सेप्ट हैं स्लोप फाइंड करने के लिए, और ये सात ही कॉन्सेप्ट हैं बस, इसके अलावा तुम्हें आठवां कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा स्लोप फाइंड करने।